Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, कुछ sentences ऐसे होते हैं जिनमें हम confused हो जाते हैं कि इसका English कैसे बनाते हैं. तो आज हम सीखेंगे उसी तरह के confusion वाले sentences को. ठीक है friends? तो let's start the class of the day. फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस हमने सुना होगा कि जैसे कौन पढ़ाता है तुम्हें, या तुम किसको पढ़ाते हो, तुम्हें कौन पसंद करता है या तुम किसको पसंद करते हो, तुम्हें कौन गाली देता है, तुम किसको गाली देते हो. इस तरह के सेंटेंसेस में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसी तरह के सेंटेंस सीखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश वीडियो. हे सुरेखा, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस वीकेंड? आई डोंट हैव एनी बिग प्लान्स. सैटरडे इज अतुल्स बर्थडे एंड वी आर प्लानिंग फॉर सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर हिम. दैट साउंड्स लाइक फन. वेयर विल इट बी? वी फील इट वुड बी नाइस टू हैव अ पार्टी एट पिज़्ज़ा हट. ओह गुड, एनीथिंग आई कैन डू? यस. Just get Atul to the venue. It will be surprised for him. I am very excited. Any other help you need? No, we have already arranged cake and masks also. Is it a theme party? We have Bollywood theme party and everyone has to dress up like their favorite actors. Who else are coming? College friends and few office colleagues. Sounds like we'll have a great time. Of course. So, see you on Saturday at 7 PM and you don't forget to bring Atul along with you. Sure, I'll get Atul with me. Don't worry about him. Okay. चलिए शुरू करते हैं. Confuse करने वाले sentences. तुम्हें कौन पढ़ाता है? This is a simple. Very simple. But समझने में थोड़ी problem हो जाती है लोगों को और उसका इंग्लिश गलत बना देते हैं. सोचते हैं कि कौन तुम्हें कौन पढ़ाता है, दिस इज द क्वेश्चन वर्ड. तो क्वेश्चन वर्ड है तो इसमें हम डू डज लगाकर बनाएंगे. तो अक्सर इसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं लोग कि हु डू यू टीच, बट दिस इज रॉन्ग ना. तुम्हें कौन पढ़ाता है, यहाँ पे कौन आ गया तो हु आ गया. मीन्स कौन आ रहा है तो फिर कौन इज द सब्जेक्ट हियर. सो यू डोंट हैव टू मेक दिस एज अ क्वेश्चन वर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे डू डज नहीं लगेगा. तुम्हें कौन पढ़ाता है तो हु टीचेस यू. हु टीचेस यू. अब यहाँ पर है तुम किसको पढ़ाते हो. अगर यहाँ पर हम बनाते हैं कि हु डू यू टीच तो दिस इज रॉन्ग. तुम किसको पढ़ाते हो तो हुम डू यू टीच भी बोल सकते हैं या हु डू यू टीच भी बोल सकते हैं. हु डू यू टीच. ठीक है, तुम्हें कौन पसंद करता है, ठीक इसी तरह से है. तुम्हें कौन पसंद करता है तो हु लाइक्स यू. हु लाइक्स यू. तुम किसको पसंद करते हो या तुम किसे पसंद करते हो, तुम किन्हें पसंद करते हो, ऐसा भी आ सकता है. तो हु डू यू लाइक, या इसको हम Whom लगाकर भी बना सकते हैं कि टू whom डू यू लाइक. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन आ रहा है कि कौन, कौन के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, कौन पढ़ाता है. तो फिर उसमें हम हु टीचेज यू और तुम किसको पढ़ाते हो या किसे पढ़ाते हो या किन्हें पढ़ाते हो तो हु डू यू टीच हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड, जैसे तुम्हें कौन गाली देता है तो हु अब्यूजेस यू. तुम किसको गाली देते हो, हु डू यू अब्यूज. ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस हैं, कुछ कन्फ्यूजन वाले हैं. कुछ और सेंटेंसेस मैं बता रहा हूँ आपको. तो ये कुछ और सेंटेंसेस है. मैं नहीं जानता कि वो क्या करता है. मैं नहीं जानता कि वो क्या करता है. वो क्या करता है ये जो कहा जा रहा है, दिस इज़ नॉट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये बताया जा रहा है किसी को कि मैं नहीं जानता कि वो क्या करता है. बट काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जब बोलते हैं तो व्हाट डज ही डू. आई डोंट नो व्हाट डज ही डू.
ऐसा बोलते हैं, बट दिस इज रॉन्ग. वहां पर हम चूंकि हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं किसी से, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर हम व्हाट डज ही डू के क्यों बोलेंगे. इसमें सिंपल है, बताया जा रहा है किसी को, इसीलिए वेरी सिंपल कि ये बात किसी से की जा रही है, किसी को बताया जा रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो क्या करता है. तो इसको हम पॉजिटिव वे में बनाएंगे, न कि हम क्वेश्चन वर्ड्स में बनाएंगे. ठीक है, तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो. ठीक है, वो क्या करता है, तो क्या करता है, व्हाट ही डज. जब ऐसे सेंटेंस जब हम किसी को बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, फिर वहां पर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, व्हाट ही डज होगा, बल्कि ये नहीं होगा कि व्हाट डज ही डू. ठीक है, वह जानता है कि मैं कौन हूं, ही नोज. अब यहां पर कि मैं कौन हूं, कि वो जानता है कि मैं कौन हूं, तो यहां पर हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं बल्कि बता रहे हैं कि वो जानता है कि मैं कौन हूं. तो हु ही नोज हु आई एम. अब यहां पर ऐसे बना देते लोग कि हु एम आई, बट हु एम आई अगर बोलेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, किसी से हम सवाल पूछ रहे हैं, न कि हम किसी को बता रहे हैं. बल्कि यहां पर जो सेंटेंस में दिया है इसके हिसाब से हम किसी को बता रहे हैं, किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसके लिए यहां पर हम हु आई एम लिखेंगे, न कि हम हु एम आई लिखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के कुछ सेंटेंसेज हैं जो कन्फ्यूज करते हैं लोगों को बोलते वक्त, बट अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सेंटेंसेज को जो कन्फ्यूज करते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.